हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिजिक्स की कक्षा में। चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, आज टॉपिक है हमारा पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, पीएन जंक्शन में आप देख रहे होंगे ये डायग्राम, सेमीकंडक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। व्हेन वन हाफ ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर, जब एक हाफ सिंगल पीस सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड बाय ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एंड अदर हाफ इज डॉप्ड बाय पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, देन द प्लेन डिवाइडिंग दीज टू जोन्स इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। हम इसको ये भी कहते हैं जब पी टाइप सेमीकंडक्टर की पतली लेयर को एन टाइप सेमीकंडक्टर की पतली लेयर के साथ जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार बनी डिवाइस को हम लोग पीएन जंक्शन डिवाइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, चलिए डायग्राम आप देख रहे होंगे इसका। देखिए एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है और एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स की अधिकता होती है। अब देखिए हम लोगों ने डायग्राम को बनाया हुआ है इस तरीके से। तो देखिए जो माइनस है, माइनस का साइन बनाया हुआ है, इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, और जो प्लस का निशान है वो डोनर आयन है, और ये जो पॉइंट डॉटेड से बना हुआ है ये इलेक्ट्रॉन्स है, और जो ये सर्किल टाइप का दिख रहा है आपको ये होल से बना हुआ है। ठीक है, तो जब व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड देन मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स इन पी साइड्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो आप लोग जरा इसको समझ लीजिए, पीएन जंक्शन डायोड को किस तरीके से बना करके हम लोग दिखाएंगे। ये पीएन जंक्शन डायोड को अगर आपको बनाना है तो देखिए एक इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ये तो इसका एक साइड जो है ई होता है और दूसरे साइड एन होता है। पी साइड की तरफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल्स होते हैं, यानी किधर होल होते हैं, और एन साइड की तरफ जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता है, ये आप इस तरीके से डायग्राम बना के दिखा देंगे, फिर आप ये वाला डायग्राम बना करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है फिर इसके बाद में। व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड देन मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स इन पी साइड, जब पीएन जंक्शन को हम बनाते हैं या बनता है देन मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, तब जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब होता है जो अधिक संख्या में चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं इन पी साइड, एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एन साइड होते हैं, स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब जब हम ऐसा जोड़ देते हैं पीएन जंक्शन को
पी और एन को हम जोड़ देते हैं तो जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी जहाँ पर ज़्यादा संख्या में होते हैं वहाँ से शिफ्ट होकर के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स विल बी स्टॉप्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर। चार्ज कैरियर्स स्टॉप्ड हो जाते हैं, रुक जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए लेयर नियर द जंक्शन, क्योंकि जंक्शन के पास में एक लेयर बन जाती है, जंक्शन के पास में एक लेयर बन जाती है वेयर नो एनी चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट, जहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होते हैं। सच लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। इस लेयर को हम लोग डिप्लीशन लेयर के नाम से जानते हैं या अवक्षय परत के नाम से जानते हैं। दिस लेयर अपोज फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। ये लेयर चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट का अपोज करती है, यानी चार्ज कैरियर्स को नहीं जाने देती है। होता क्या है बच्चों कि पी टाइप के और एन टाइप की तरफ के चार्ज कैरियर्स यहाँ से मूव करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे की तरफ, ये एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और यहाँ बीच में आकर के एक दूसरे से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो क्या होते हैं कि एक साइड पी और एक साइड एन चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं और जिसकी वजह से बीच में यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होता है, बीच में एक दीवार बन जाती है ऐसा होने से, जिसको कि डिप्लीशन लेयर कहते हैं, और यहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता है। ये चार्ज कैरियर्स के फ्लो को रोकने का प्रयास करती है और इसी जो लेयर है इसी को हम लोग डिप्लीशन लेयर के नाम से जानते हैं और इसी की हम लोग विड्थ निकालते हैं। ये हम लोग क्या निकालते हैं? विड्थ निकालते हैं, जिसको हम लोग डिप्लीशन विड्थ के नाम से जानते हैं। ये हम लोग आगे अभी इसको निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिप्लीशन लेयर बन जाती है। दिस लेयर अपोजेज व्हेन मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। ये लेयर चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट का अपोज करती है। द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ए पोटेंशियल डिफरेंस विच अपोज फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जो कि चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट का अपोज करता है, चार्ज कैरियर के मूवमेंट का अपोज करता है। एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जो कि चार्ज कैरियर्स का अपोज करता है, चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट का अपोज करता है। प्रोड्यूस एट द फंक्शन, एक फंक्शन प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम लोग पोटेंशियल बैरियर के नाम से जानते हैं। इसको VB से क्रिएट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? VB से डिनोट करते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को पहले ही डायग्राम में बना दिया है। देखिए आप लोग, ये यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे VB बना हुआ है, ठीक है? तो ये VB क्रिएट हो जाता है जो कि चार्ज कैरियर्स के फ्लो का अपोज करता है। अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से VB क्रिएट होता है। देखिए, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। पी साइड जो होता है वो वैलेंस बैंड फर्मी लेवल वैलेंस बैंड की तरफ होता है और एन साइड में फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड की तरफ होता है। जब पीएन जंक्शन हम लोग बनाते हैं तो देखिए इस तरीके का डायग्राम क्रिएट होता है फर्मी लेवल का। देखिए फर्मी लेवल का डायग्राम इस तरीके से क्रिएट होता है, अलग अलग दिखाने के लिए कि कहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है?
इस तरीके से देखिए, इस तरीके से क्रिएट हो रहा है ये। इस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाते हैं और ये फर्मी लेवल को हम लोग शो करते हैं। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी आप लोगों ने पढ़ रखी है। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स ऑफ सॉलिड बैंड ऑफ पी एंड एन टाइप आर शिफ्टेड इन सच ए डायरेक्शन दैट फर्मी लेवल बिकम्स इन ए लाइन एज शोन इन फिगर। क्या होता है, बैंड थ्योरी के आधार पर पी और एन टाइप के जो फर्मी लेवल्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाती है इस तरीके से, एक लाइन की तरीके से हमने दिखाया हुआ है। देखिए ये वाले डायग्राम में, ये आप लोगों ने, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप ये वाला डायग्राम, आप लोग देखिए ये वाला डायग्राम, देखिए इस तरीके से शिफ्टिंग को हम दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशंस फॉर विड्थ ऑफ फर्मी लेयर। फर्मी लेयर के लिए हम एक्सप्रेशंस को हम शो करेंगे, यानी कि डेरिवेशन को हम करेंगे। तो चलिए डेरिवेशंस को हम लोग समझते हैं। ये तो हेडिंग हो गई इसकी आपकी, और ये डायग्राम हो गया। डायग्राम सेम वैसा ही है जैसे कि हम लोगों ने पहले बनाया हुआ था। देखिए एक तरफ नेगेटिव चार्ज कैरियर से, एक तरफ पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम को क्रिएट कर लेते हैं, डायग्राम को बना लेते हैं। ये पी साइड है और ये एन साइड है, ठीक है। तो देखिए, लेट एक्स एंड एक्स टू आर द विड्थ एक्स एंड एक्स टू आर द विड्थ एक्स एंड एक्स टू एक्स वन एंड एक्स टू आर द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। हमने मान लिया एक्स वन और एक्स टू क्या है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ है इन पी एंड एन साइड, पी और एन साइड की तरफ। एंड वी वन वी टू आर द पोटेंशियल बैरियर्स इन पी एंड एन साइड। वी वन और वी टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है पी और एन साइड। तो द टोटल विड्थ कितनी होगी, टोटल विड्थ जो है वो हो जाएगी एक्स वन प्लस एक्स टू, और टोटल पोटेंशियल हो जाएगा वी वन प्लस वी टू। तो अब देखिए पी साइड की बात करते हैं पहले। तो देखिए पी साइड का हमने लेते हैं एक्सप्रेशन। तो लेट पॉइसन इक्वेशन इन वन डायमेंशन, ये पॉइसन इक्वेशन होती है बच्चों। देखो डी टू वी अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्साइलन, ये पॉइसन इक्वेशन होती है, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये डायग्राम बनाया हुआ है पी और एन साइड की, पी की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस देखिए वी वन है और पी टू की पी एन की तरफ वी टू है। और ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ है एक्स वन प्लस एक्स टू। इस तरीके से हमारी डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है, इसको हम लोग देखते हैं। तो वेयर रो इज़ द चार्ज डेंसिटी, जहाँ पर रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है। एंड एप्साइलेंट इज़ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्साइलेंट जो है माध्यम की परमिटिविटी है, यानी कि वैद्युतशीलता है। इन पी साइड ऑफ डिप्लीशन लेयर, पी साइड की तरफ अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये फार्मूला लिखेंगे, रो इज इक्वल टू ई एन ए, ठीक है। जहाँ पे एन ए है डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर्स आयन, जहाँ पे एन ए क्या है, एक्सेप्टर आयन्स की डेंसिटी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फोर इन इक्वेशन नंबर थर्ड, जब हम इक्वेशन नंबर फोर की वैल्यू को थर्ड में पुट कर देंगे तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, डी टू वी अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू रो एन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जब हम लोग इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेट करने पे इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डी वी अपॉन डी एक्स मिलेगा, और ई एन ए अपॉन एप्साइलेंट एक्स मिल जाएगा, प्लस सी वन कॉन्स्टेंट मिल जाएगा।
एट एक्स इजिकल टू माइनस एक्स वन, एक्स इजिकल टू माइनस एक्स वन पर अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल टू जीरो आ जाएगा। तो फॉर्म, तो इक्वेशन नंबर फाइव हमारी क्या मिलेगी, ये डी वी अपॉन डी एक्स की जगह जीरो रख देंगे तो हमें क्या होगा, सी वन की वैल्यू मिल जाएगी। C1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए, नाउ पुटिंग द अबव वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन नंबर 5। अब C1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट अप करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अगेन इंटीग्रेटिंग, अब हम इसको अगेन इंटीग्रेटिंग करेंगे तो देखिए जो x का है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए इसका एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा और यहाँ पर एक्स नहीं था तो एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। प्लस एक हमारा कांस्टेंट लग जाएगा C2, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए एट एक्स इजिकल टू जीरो, वी इजिकल टू जीरो पे, तो सो फॉर्म इक्वेशन नंबर सिक्स, जब हम एक्स इजिकल टू जीरो और वी इजिकल टू जीरो लेंगे तो सी टू की वैल्यू भी हमको जीरो मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, ये सी टू की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सिक्स में तो हमको वी निकल आएगा। अब लेट एक्स इजिकल टू माइनस एक्स वन और वी इजिकल टू माइनस वी वन, जब ऐसा करेंगे तो हमें माइनस वी वन इजिकल टू ई सॉरी रो एन ए एक्स वन स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन माइनस ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन एक्स वन स्क्वायर मिल जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो वी वन की हमको वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों हमको वी वन की वैल्यू मिल गई, ये हम लोगों ने पी साइड के लिए सॉल्व किया है। अब एन साइड के लिए हमको सॉल्व करना है, इसको हम लोग करेंगे बच्चों नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए नमस्कार, हम लोग अगले टर्न पे एन साइड के लिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।